गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे थे। आज हम इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम में बेटा ऐसा हुआ था, इन 1960 इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स विच आर नोन एज इन द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस दे आर कॉल्ड एज इन सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स एंड बट इन वेन इट इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड वी कॉल नाउ इट एज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। और ये ऐसे यूनिट्स हैं जो कि इंटरनेशनली सबको एक्सेप्टेड है। Otherwise, there was problem that the systems of units of one country would not be matching with that of other countries. और फिर हमें क्या दिक्कत आती है कि in the course of trade, जब एक जगह से दूसरी जगह का ट्रेड करना पड़ता, चीज ले जाने पड़ती, उस समय दिक्कत आती कि उसका यूनिट्स और होता, एक कंट्री का दूसरे कंट्री का और कोई होता, तो तब उस चीज को दूर करने के लिए इन 1960 जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ जो वेट्स एंड मेयर था, उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विच वॉज कॉल्ड एज एस आई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात की भी थी। आज हमको करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस? नंबर वन एडवांटेज ऑफ एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज दैट इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। It is rational systems of units. What does it mean? It means that you are having one unit for one physical quantity. जैसे MKS system में होता था, अगर energy है, जैसे for example, तो MKS system में क्या होता था कि अगर आपके पास mechanical energy है तो उसका यूनिट जूल होगा, अगर आपके पास हीट एनर्जी है उसका यूनिट कैलोरी था, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूनिट आपके पास वाट आवर होता था। बट इन केस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर हैविंग ओनली वन यूनिट फॉर एनर्जी एंड इट इज ओनली जूल। एक फायदा तो ये हो गया। नंबर टू इज दैट इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। It is coherent system of units. What do you mean by that? It means that in case of SI units, the units are derived by or obtained by multiplication its basic and supplementary units. Basic or supplementary units को आपस में multiply करके या divide करके ही हम सारे units निकाल लेते हैं। इसमें क्योंकि यूनिट थोड़े सारे हैं, उन्हीं को जो हमारे ड्राइव यूनिट्स हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उन्हीं को जो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके हमारे पास सारे यूनिट्स निकल आते हैं। इसे हम कहते हैं कि इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर थ्री इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब कहने का हमारा यह है कि इसमें एब्सोल्यूट और जो ग्रेविटेशनल यूनिट जो होते हैं इसके जो है फोर्स के, उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इसलिए वैल्यू जो हमारा जी का फैक्टर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इलिमिनेट हो जाता है, उसकी दिक्कत हमें नहीं रहती है। नंबर फोर इट इज अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होगा? मीट्रिक सिस्टम का सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती थी जब हमारे पास जो FPS सिस्टम चलता था, उस समय हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन मीट्रिक सिस्टम में ऐसा होता है कि उसमें पावर्स ऑफ 10 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ही एक से दूसरा यूनिट हमारा बन जाता है। जैसे हमारे पास ग्राम, अगर ग्राम का किलोग्राम बनाना है तो 10 रेज़्ड टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर हमारे पास लीटर है तो मिली लीटर बनाने हैं, 10^-3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब कहने का हो गया कि 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास जो एक मल्टीपल से दूसरे सब मल्टीपल्स हमारे आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मीट्रिक सिस्टम था। उसका पांचवा नंबर ये था कि इट वॉज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जैसे हमने बात की कि एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए हमें कन्वर्जन में दिक्कत आती थी, और आज भी एक दो कंट्री को ही छोड़ करके ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड में ऐसा ही सिस्टम को अच्छे तरीके से लागू है, अच्छे तरीके से वो पूरा इसको मानते हैं। बट एक्सेप्शंस आर स्टिल देयर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये एक बड़ी जो हमारी दिक्कत थी वो इसलिए दूर हो गई कि इंटरनेशनली ऐसे सिस्टम्स को एक्सेप्ट कर लिया सभी देशों ने। फिर उसके बाद एक और सिक्स इसका एडवांटेज क्या था कि इसमें यूनिट्स बड़े छोटे से कहने का मतलब यह कि इनमें नंबर्स ऑफ यूनिट जो है वो स्मॉल है। इन ऐसे सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इज इतने ज्यादा यूनिट नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इन्हीं को यूज करके इन्हीं को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम जो जहान के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हमारे पास बन जाते हैं। सो मच डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम। और भी हो सकते हैं लेकिन ये हमने कुछ जो बड़े हमको इम्पोर्टेंट से लगे हमने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी एडवांटेजेस के बाद जो एसआई यूनिट्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस के लिए। आपके साथ पिछले वीडियो में ये बात हुई थी कि एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। आज थोड़ा इन पर बात होंगी। तो हमने ऐसे यूनिट में सबसे पहले पढ़ा था कि लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास, लेंथ का यूनिट होता है वो होता है मीटर। और जो मीटर जो होता है इसको इस लिखा किसमें जाता है, इसका सिंबल क्या होगा, इट इज स्मॉल एम। और मीटर होगा कितना, कितना लंबा होगा, इसकी डेफिनेशंस जो चेंज हुई, एक दो बार चेंज हो गई। एक्चुअली पहले तो किसी जमाने में एक रॉड रख ली गई होगी, जैसे हमने आपसे बात की थी पिछले लेक्चर में कि किसी को अगर एक गांव से दूसरे गांव में, जैसे हमने वो इसकी इजिप्ट की बात की थी कि उस समय लंबाई को नापने के लिए क्यूबिट जो होता था वो लंबाई का एक यूनिट माना जा करता था। इस समय ऐसे ही सिस्टम में भी पहले एक रॉड रख ली गई वहां पर, फ्रांस में सेवियर जगह है पेरिस के पास वहां पर, और ये मान लिया गया कि ये लंबाई 1 मीटर है। लेकिन टाइम के साथ उसमें बदलाव आया और अब क्या माना जाता है कि आप जैसे हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान लेते हैं हम इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइक दैट। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्टली हमारे पास आता है 2997 4 5 8 7 9 2 लाइक दैट 2997 4 5 8। इतने मीटर पर सेकेंड है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम और एयर, अगर एग्जैक्ट बात करें तो इतनी है। तो अगर लाइट जो होती है 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है, तो ये आ गया स्पीड। तो आप मुझे बताइए 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा कि इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 1/2997924 5 8, इतने पार्ट ऑफ ए सेकंड
इतने पार्ट ऑफ ए सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना डिस्टेंस एक मीटर है। मतलब क्या हो गया, एक सेकंड के इतने हिस्से में लाइट वैक्यूम में या एयर में जितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी उतना डिस्टेंस एक मीटर गिना जाएगा। इसमें तो चेंज होने की बात नहीं है। तो इसलिए अब मीटर की डेफिनेशन ये। उसके बाद दूसरा आया था यूनिट हमारा लेंथ के बाद आता है मास की वैल्यू। मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स मास। और मास का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम और इसका सिंबल जो है इट इज स्मॉल के एंड स्मॉल जी। एंड वन किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जो हमारे पास वहां हमने प्लैटिनम इरेडियम हमने एलाय रखा हुआ है उसका जितना मास है एट द इंटरनेशनल जो हमारा ब्यूरो ऑफ जो वेट्स एंड मेजर है एट फ्रांस वहां पर जो हमने एक छोटा सारा ब्लॉक रखा है उसका वेट जितना है दैट इज वन किलोग्राम। इसमें भी चेंजेस हो सकती हैं जो इस टाइम के साथ इसकी नई नई डेफिनेशन आ सकती हैं। अभी हमारे पास ये डेफिनेशन है। उसके बाद तीसरा था हमारे पास टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड है क्योंकि ये तो कभी चेंज नहीं हुआ। ये जितने भी हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे रहे उनमें सभी में ये सेकंड ही था। और इसको स्मॉल एस के साथ आर स्मॉल एस ई सी के साथ लिखा जाता है। ऑलमोस्ट एस के साथ ही लिखा जाता है कई कई जगह हम उसको एस ई सी के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक सेकंड कितना टाइम होगा, एक सेकेंड टाइम होता है इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेडिएशन विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। उसके बीच में जितनी रेडिएशन के बीच में जितना उनके हाइपर जो लेवल्स हैं उनके बीच में जितना वो टाइम लगता है एक से दूसरे में इतने टाइम को हम एक सेकेंड कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है चौथा नंबर आ गया हमारे पास। ये तीन तो हमारे मैकेनिक्स में एकदम चलेंगे। जब हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन में हमारे पास ये तीन आनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बारी आती है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इसका एस आई यूनिट एम्पियर होता है। ये एम्पियर के जो एम्पियर जो हमारे थे साइंटिस्ट उनके जो आंडर में लिखा जाता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। और वन एम्पियर कितना होगा, इट इज दैट कॉन्स्टेंट करंट विच वैन इज फ्लोइंग थ्रू द ईच ऑफ द टू पैरेलल कंडक्टर्स विच आर हेल्ड एट वन मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पे वो वैक्यूम के बीच में अगर हम रखें तो उनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर इनके बीच में फोर्स होगी तो उतनी करंट को हम कहते हैं इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। फिर इसके बाद एम्पियर के बाद एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं हम। एक्चुअल टेम्परेचर क्या चीज है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इट इज कॉल्ड एज इट्स टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर जो है तो वो नापना पड़ेगा कितना है, वो उसको नापने के लिए एक्चुअली इसकी स्केल्स होती है। और इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो उसको हम कहते हैं केल्विन। और इसको जो कैपिटल के साथ लिखा जाता है। एंड वन केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ
1/273.9 इतना फ्रैक्शन होता है, इट इज द फ्रैक्शन 1/273.19 सॉरी, इट इज द फ्रैक्शन 1/273.19 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसमें उसका इतना फ्रैक्शन जो है उसको हम 1 केल्विन कहते हैं। अदरवाइज हमारे पास 3 स्केल्स कही जाती हैं, एक सेल्सियस है, एक फारेनहाइट है, एक केल्विन है, और एसआई के जो है एसआई यूनिट है इट इज केल्विन। उसके बाद आ गया 6वां नंबर, आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इसकी लाइट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की लाइट कितनी चमकीली है, तो इसका ऐसा यूनिट जो है तो वो कैंडीला, CANDELA कैंडीला, और इसको लिखा जाता है स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। और ये है कितनी, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स विच इज प्लेस्ड और विच इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 × 10^12 हर्ट्ज। 540 × 10^12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो तो इमिट कर रही हो, एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ 1/683। इतने फ्रैक्शन में वाट पर स्टेरेडियन उतनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम 1 कैंडेला कहते हैं। इसके बाद लास्ट पर नॉट द लीस्ट विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एसआई यूनिट एंड इट इज द अमाउंट ऑफ ए मोल सॉरी अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस, और अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस का जो एसआई यूनिट है दैट इज मोल, MOLE, और इसको जो लिखा जाता है सिंबल इट इज MOL, स्मॉल एम स्मॉल ओ एंड स्मॉल एल, स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल, एंड 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में उसके जितने एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी उतने अमाउंट को हम 1 मोल कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। नाउ वी आर हैविंग 2 मोर सप्लीमेंट्री यूनिट्स विच आर नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज द एंगल, एंगल का एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन, और इसको स्मॉल आर स्मॉल ए एंड स्मॉल डी आर ए डी के साथ लिखा जाएगा। और 1 रेडियन कितना एंगल होगा कि अगर एक सर्कल हम बनाएं और इसमें इसकी जितनी रेडियस हो उतनी ही आर्क हो हमारे पास, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर में इट इज 1 रेडियन। कि अगर एक सर्कल बनाए हम उसकी जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क बने तो जितना एंगल सबटेंड होगा इट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। इसको इस तरीके से समझना बिल्कुल आसान है कि एक सर्कल हो उसकी जितनी रेडियस हो उतनी ही आर्क भी लगे तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर में इट इज इक्वल टू 1 रेडियन। फिर उसके बाद है स्टेरेडियन, और स्टी रेडियन होता है ये सॉलिड एंगल है, एक्चुअली इट इज सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट है इट इज स्टी रेडियन, और इसको जो लिखा जाता है वो एस डी के साथ लिखा जाता है, स्मॉल एस और स्मॉल डी एस डी के साथ लिखा जाएगा। और 1 स्टीरेडियन कितना होगा कि अगर एक हमारे पास स्फीयर हो आगे गोला,
जो हमने ऐसे रखा है यहां पर एक गोला हो, उस गोला जो सफेद हो उसका सरफेस एरिया जो हो वो इसकी रेडियस से दुगना हो, विच इज जो वंस जो स्टी रेडियन इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये रेडियस जो हमारी है इससे इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए उसका सरफेस एरिया, उतने सॉलिड एंगल को ऐसे गोल जो है पूरा एंगल जो बनेगा इट इज कॉल्ड एज वन स्टी रेडियन। सो माय डियर स्टूडेंट्स दीज वर आर द बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स विच आर बेसिकली यूज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन्हीं को यूज करके हम जितने जहान के यूनिट्स हैं वो हम बना लेते हैं। जैसे हमने बात की थी स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर की और सेकंड को यूज करके हमारे पास स्पीड बन जाएगी। अगर वर्क करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, अगर फोर्स की डिस्टेंस बात करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बाद से होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब कहने का कि इन्हीं को यूज करके हमारे पास जितने भी जहान की फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ द एसआई यूनिट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेम स्टे होम।